सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें, ताकि आप देख सके रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर। एक पूरी तरह से बेलनाकार बादल कथित रूप से पिछले हफ्ते जापान के आसमान में पाया गया था। जैसा कि यह खबर इंटरनेट पर फैल गई है, लोग इस अविश्वसनीय घटना के बारे में उत्सुक थे। कुछ नेटिजेंस ने संकेत दिया कि क्लाउड के बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन कई लोग अभी भी मानते हैं कि यह घटना एक आहट है जिससे पता चलता है कि एलियन हमारे बीच हो सकते हैं। सन यूके ने बताया कि एक ट्वीटर उपयोगकर्ता ने फुजिसवा कानागावा में दोपहर में तीनों को पूरी तरह गोल के आकार का बादल देखा था। फोटो के बाद तस्वीर जल्द ही वायरल कर दी गई। तेज हवाओं की वजह से यह अजीब बादल गायब हो गया। इस तस्वीर ने काफी मीडिया उन्माद पैदा कर दिया है, खासकर जब इस तरह के एक बादल गठन पहले कभी नहीं देखा गया है। अन्य उपयोगकर्ताओं ने एक समान तस्वीर साझा की है। एक रिपोर्ट ने बताया कि इस विशेष घटना के बारे में कुछ भी शानदार नहीं है और लोगों को अजीब तरह के बादल के संभावित कारण के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। एक मौसम विज्ञानी ने रिपोर्ट में समझाया कि दुनिया भर में कई जगहों पर असाधारण बादल संरचनाएं कई बार होती है। यह विशेष रूप से बादल निर्माण कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों में होता है जो बड़े बादलों के निर्माण का हिस्सा होते हैं और उच्च गति वाली हवाओं के कारण कट जाती हैं। हो सकता है कि इसकी आकृति उस तरह से प्राप्त हो सकती है जब हवा चल रही थी। यह हर दिन नहीं हो सकता है कि हम आकाश में असामान्य बादल संरचनाएं देखते हैं, लेकिन वास्तव में वे बिल्कुल दुर्लभ नहीं है। टेलीग्राफ यूके ने दुनिया भर से बादलों के कई शानदार दृश्य दिखाए। सबसे लोकप्रिय और सबसे शानदार में यूएफओ के आकार वाले लेंटिक्यूलर बादल हवाई में दिखाए गए, डोमेटिस बादल या दक्षिण डकोटा में दिखाई देने वाले स्तन आकार का बादल और मिनेसोटा में दिखाई देने वाले शेल्फ बादल ऐसे ही कई उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं।